हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्वाइवल वॉक। सो गाइस, अब हम करते हैं सीरीज को कंटिन्यू। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने सामान वगैरह इकट्ठा किए थे और भी कुछ कुछ किया था, पता नहीं क्या था, मगर भूल गया जो भी होगा। सो गाइस, मैंने बहुत ऑफलाइन किया, बहुत काम किया और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ पहला सरप्राइज। रुकिए गाइस, मैं उठा लेता हूँ और इस नारियल को पी लेता हूँ। तो गाइस, पहला सरप्राइज है ये। तो गाइस, ये एक ओपन स्टोरेज फैसिलिटी है, तो अभी तक तो ये बना हुआ भी नहीं है, मतलब कि आधा अधूरा सा बन गया है। तो मैंने इसमें रेल्स लगाए हैं, कॉलम्स वगैरह लगाए हैं जो पिलर्स को, मतलब कि पिलर्स लगाए हैं जो छत को सपोर्ट करे, और यहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ बनाई है और यहाँ पर मैंने चेस्ट वगैरह रखे हैं। और इन चेस्ट में क्या है, रैक्स 1, रैक्स 2, रैक्स 3। अब गाइस, मेरे पास तीन चेस्ट भर भर के रैक्स हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मगर यहाँ पे भी भर जाएंगे, सो डोंट वरी गाइस। और ये है हमारा स्क्रैप वाला चेस्ट, तो मैं इसे नाम बाद में दे दूँगा। तो गाइस, ये काम किया था मैंने ऑफलाइन करके, और भी बहुत कुछ था। तो गाइस, मैंने ये 2 स्टैक ऑफ सीवीड इसलिए इकट्ठा किए हैं क्योंकि गाइस मैं ये बनाने वाला, अरे सब बन गया क्या, तो कोई बात नहीं, चेस्ट भी तो बनाना है, नो वरीज गाइस, नो वरीज। तो ग्लू से क्या करेंगे, तो गाइस आज मैं, और गाइस मैंने एक बार एक टेस्टिंग किया था कि अब मैं ये जो बेट है ना, इसको बनाया था, और फिर उसके बाद पॉइजन एरो, फिर उसके बाद बोएन एरो बनाए थे और फिर एक पॉइजन एरो बनाया था। तो गाइस, मैंने क्या किया, सबसे पहले बेट को उस तरफ फेंका, फिर उसके बाद शार्क उस पर फंस गई, अरे तीर कहाँ घुस गया, नो वरीज गाइस, पता नहीं, और ओ हमारा तीर का मान टूट गया। तो गाइस, मतलब कि मैंने क्या, ये था कि एक सेकेंड गाइस, थोड़े से तीर का मान बनाने पड़ेंगे। तो गाइस, मैंने ऐसे वो को शूट किया था और फिर मतलब कि वो, मतलब कि बाहर गिर के मर गया। तो गाइस, मरा कैसे और मुझे उसका क्या मिला पता है आपको, मुझे मिला था उस शार्क का सर, ये रहा उस शार्क का सर। और आप सोच रहे होंगे कि भाई ये शार्क तो यही पे है, तो इसने सर, तो इसको सर कैसे मिला। तो देखिए गाइस, इस शार्क को अगर हम लोग मारता है तो थोड़ी देर के बाद ये फिर से दोबारा रीस्पॉन हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक इन्फर्नाइट फूड सोर्स है और हमें इससे शार्क का मीट भी मिलता है। मीट को कुक करने के लिए यहाँ पे फर्नेस होता है, लेकिन मैं ऊपर वो नहीं जाए। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज ये बनाऊँ, इधर चलते हैं, अरे मैंने चेस्ट को क्यों खोला। तो गाइस, मैं आज इसको बनाने की सोच रहा हूँ क्योंकि हमें वैसे भी ये तो चाहिए, तो चाहिए, तो क्योंकि हमें आइलैंड्स वगैरह भी एक्सप्लोर करने हैं। हाँ गाइस, आप लोग सही समझा है, इस गेम में आइलैंड्स भी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भाई साहब, ये आइलैंड्स यहाँ पे कैसे और हम समुंदर के बीच हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मुझे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो गाइस, आपको बस क्या करना पड़ता है, कभी कभार एक बोट आता है ऊपर, जैसे शार्क का जो सिंबल आता है ना कि शार्क हमें, हमारे राफ्ट को नुकसान पहुँचाने आ रही है, तो वैसे ही एक बोट का सिंबल आता है, तो वो बोट होता है उस मर्चेंट का, तो हमें फ्लेयर गन से शूट कर सकते हैं, या तो वहाँ से वो जाएगा तो हम यहाँ से ऐसे एक वेव मार सकते हैं और वो मर्चेंट आएगा और फिर हम उससे सामान वगैरह खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब क्योंकि अगर हम लोग उसे बेचेंगे तो ऊपर हमारे शेल्फ पर्ल्स मिलेंगे, तो उसी शेल्फ पर्ल्स से हमें बनाना पड़ेगा ये ब्लूप्रिंट में आइलैंड स्कैनर। इसके लिए हमें चाहिए माइक्रोवेव मॉनिटर और ये क्या है, प्रिंटर, रेडियो और अम्ब्रेला परचेज फ्रॉम मर्चेंट। तो हमें ये सब के सब मर्चेंट से खरीदना पड़ेगा। मर्चेंट को बुलाने के लिए बस एक ही तरीका है और वो ये है कि हमें कायाक बोट बनाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कायाक बोट बना सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, मगर हमारे यहाँ पे तो बस दो बार ही आया था और उसके बाद से कभी नहीं आया, पता नहीं क्यों, ये भी एक गेम का एक ग्लिच लगता है, मगर जो भी होगा इस, हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं उस कायाक बोट को, उसके ऊपर बैठ के देखेंगे कि वो हमें कहाँ ले जाती है या क्या वगैरह वगैरह।
तो हमें काया कहाँ था ये, अरे हमें कील भी तो चाहिए ठोकने के लिए, तो कील हम लोग क्या बना सकते हैं? अब क्या हम लोग बना सकते हैं? यस, एक मिनट गाइस, कहाँ पे है वो कयाक? ओके यार, ये बना क्यों नहीं पा रही? अच्छा जी, हमें उस तरफ बनाना है। अब बना सकते हैं? यस, फाइनली हम लोगों ने अपना कयाक बोट बना लिया है। तो ये एक बोट है जिसमें हम लोग बैठ के जा सकते हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है। नीड टू ड्रॉप एंकर। व्हाट, अब हमें एंकर भी बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं। नीड टू ड्रॉप एंकर। क्या हमें वो फ्लोर बनाना पड़ेगा एंकर का? हाँ शायद गाइस, हमें एंकर फ्लोर बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास प्लैंक्स नहीं है। और मैंने ये एंकर भी ना खामोईखा बना लिया, खामोईखा। तो चीज़ें तो नुकसान तो हो गई, अब हमारे पास शायद प्लैंक्स भी नहीं होंगे। ओह है, अच्छी बात होती है। अब गाइस हम लोग वो कयाक बोट का जो एंकर जो होता है ना, ओ भाई सब कितना सारा सामान जा रहा है, मगर हमें एक भी सामान नहीं चाहिए। लोल शार्क का हेड। यार शार्क बेटा तू तो गया काम। ओ भाई साहब मैं तो पानी में गिर गया, शार्क में ही तरफ आ रही है। उतरो उतरो, बच गया भैंस की। तो हमें ये चाहिए ना, बना लेते हैं, इसे कर देते हैं ऑन। नीड ए वेबल्स। हाँ गाइस, मैंने आपको बोला था वो जो मर्चेंट जब आएगा ना तभी हम वे बिल्स बना सकते हैं, मगर अभी हमारे पास वो नहीं है। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने सही कहा था गाइस, जब तक मर्चेंट आता है तब तक सामान वगैरह फेच कर लेते। तो मुझे प्लैंक्स भी बहुत सारे चाहिए थे, और सी वी भी चाहिए, वो रोप्स भी चाहिए, बहुत सारे सामान चाहिए। जैसे जैसे हम लोग लेवल अप होते हैं तो वैसे वैसे हमें बहुत सारे सामान चाहिए होते हैं। तो गाइस मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आइलैंड वगैरह जो है उसे कैसे खोजते हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से मर्चेंट नहीं आया, पता नहीं था, बदकिस्मती से। आई थिंक शायद जब मैं खेलना बंद करूँगा तब आ जाएगा। क्या जहाज जा रहा है? नहीं नहीं मेरा वेट। अरे ये तो कयाक है यार, न्यू बोट बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि कोई आ तो रहा है, मगर अभी तक वो मर्चेंट नहीं आया यार, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई है गाइस। मुझे पसंद नहीं कि बहुत देर हो जाए। और सही में यार अगर मर्चेंट आया भी था तो एक मतलब कि अपने रियल टाइम कह रहा हूँ, इस गेम का टाइम नहीं है, रियल टाइम। तो वो मर्चेंट आया था एक महीने पहले, एक महीने पहले नहीं, दो हफ्ते पहले। तो गाइस वो मर्चेंट आया था दो हफ्ते पहले, मगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उन वीडियोस को देखकर बताइएगा, या कोई कोई और वीडियोस को देखकर बताइएगा कि वो मर्चेंट कब आता है, कैसे आता है। पता नहीं यार कैसे ढकोसला पड़ती है। और ये रहा हमारा पायरेट का झंडा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ नहीं चाहिए। तो गाइज इस वीडियो के लिए तो बस नहीं, चलो गाइज आई थिंक इस वीडियो के लिए तो बस नहीं, मुझे तो बहुत मज़े आई भी और नहीं भी। तो गाइज एक एडवांटेज ये था कि हमें पता चल गया है कि ये जो शार्क है ये दोबारा भी स्पॉन हो सकती है, और एक एडवांटेज ये भी है कि हम लोगों ने कयाक बना लिया है। अब उस मर्चेंट की देर है, अगर वो मर्चेंट आता है तो अच्छी बात होगी। और डिसएडवांटेज ये है कि हमें अभी तक मर्चेंट नहीं मिला है, और साथ ही साथ हमें वो आइलैंड स्कैनर भी बनाना है ताकि हमें ट्रेजर्स मिल सके, क्योंकि आइलैंड से अगर हम लोग जाएंगे
तो बहुत सारे ट्रेजर्स मिलते हैं, पजल्स मिलते हैं, की लॉक्स मिलते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे पजल्स वगैरह मिलते हैं। तो चलो गाइस, स्मैश दैट लाइक बटन गाइस इफ लाइक दिस वीडियो। इस चैनल को सपोर्ट ही कहीं, कमेंट करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस, चलता हूं मैं ऐसे ही बेहतर वीडियोज बनाने। गुड बाय।